हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा ये मैट का डिज़ाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे जो हमने ये मैट तैयार किया है, ये बचे हुए कतरनों से तैयार किया हुआ है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने मैट का डिज़ाइन देखा है, उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से पट्टियाँ ली हैं। आपके पास जितने भी कलर हों जैसे, आप उनमें यूज कर सकते हो। बस आपका ध्यान ये रखना है आपको कि जो हमारी चौड़ाई है ये तकरीबन हमारी 3 से 3.5 इंच की होनी चाहिए। तो इस तरीके के मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी इस तरीके की पट्टियाँ ली हुई हैं अलग अलग कलर की। तो यहाँ पे हमें इनको करना है तैयार। तो इनको तैयार करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से हमें यहाँ पे इन्हें फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इसकी जो चौड़ाई होगी हमारी यहाँ पे 1 इंच की तकरीबन चौड़ाई आनी चाहिए। देखिए, 1 इंच की हमारी यहाँ पे चौड़ाई होगी और इसको हम यहाँ पे सील लेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों साइड से। इस तरीके से यहाँ पे इनको सील लेंगे। इस पट्टी के हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड सिलाई लगा के यहाँ पे कर ली है इस पट्टी को कंप्लीट। अब हमारे पास जितने भी ये पट्टियाँ हैं सभी को हम इस तरीके से यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक पट्टी बना करके दिखाई थी, वैसे ही हमने यहाँ पे सभी पट्टियाँ ये रेडी कर ली हैं इस तरीके से, बिल्कुल बराबर बराबर। अब इन्हीं के द्वारा हम मैट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक इस तरीके से ये जो टॉवल होते हैं पुराने फट जाते हैं वो लिया है, एक उसका छोटा सा पीस। यहाँ पे इसका जो साइज हमने यहाँ पे रखा है, मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ, इस तरीके से तकरीबन हमारा 12 से 12.5 इंच का होगा। और इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा तकरीबन 17 होगा, 17 से 18 का। आप इसका साइज बड़ा छोटा ले सकते हो पट्टियों के मुताबिक। और एक हमने यहाँ पे चावल की जो पोलोथीन आती है ये ली है, इस तरीके से ये चावल की पोलोथीन है। तो इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद इस साइड से भी इसको कट कर लेंगे, इसको ओपन कर देंगे। ये हमने यहाँ पे ओपन कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे, ऐसे रखते हुए ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। जो ये होगा कपड़ा या फिर ये चावल वाली बोरी, तो इसको हम ऐसे काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब हमें यहाँ पे तकरीबन 3-3 इंच का गैप रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे लगा ली है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद जो हमारा यहाँ पे ये बैग था चावल की बोरी वाला, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और अब हमें एक एक करके यहाँ पे एक एक पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मैं आपको थोड़ी पट्टी यहाँ पे अटैच करके दिखाऊंगा। इस साइड से तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच का गैप रखना है और यहाँ पे वैसे स्टिच करनी है।
तो एक एक पट्टी हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको पसंद हो वही आगे पीछे कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कम्बिनेशन बनाना है। तो इस तरीके से एक एक करके हम यहाँ पे ये पट्टी इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक साइड में ये पट्टियां लगा ली हैं। अब हमें दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही यहाँ पे पट्टियां लगानी है। इस साइड में भी तकरीबन हम आधा इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे ये लगाते जाएंगे। सेम तरीका रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक एक करके जो भी आपको सही लगे वही पट्टी आप यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से इस साइड भी और इस साइड भी ये पट्टियाँ ज्वाइंट कर ली हैं। अब इनका हमें क्रॉस बनाना है। तो क्रॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से हमें पट्टियाँ ऐसे पलट लेती हैं। तो एक साइड की हमारी ये पलटी गई, अब हम दूसरी साइड की यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे। ऐसे दूसरी साइड की हम यहाँ पे ऐसे पलट लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक पट्टी हमारी ऐसे आएगी तो दूसरी हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी, ये आपने ध्यान देना है। तो ये वाली पट्टी जो होगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस बन जाएगा। तो ये ही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। जिस साइड की भी आप पट्टी बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि हमारा क्रॉस जो है बिल्कुल ओके रहना चाहिए यहाँ पे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा ये क्रॉस बना है। ऐसे ही हम जैसे एक पट्टी यहाँ पे ये नीचे दबा दी है, तो इस बार हम यहाँ पे इस पट्टी को ऐसे ऊपर कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमारा यहाँ पे क्रॉस बनता चला जाएगा। तो एक के बाद एक हम इन्हें यहाँ पे अच्छे से ये क्रॉस बनाते चले जाएंगे और यहाँ पे आप इसको सेट करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दो पट्टी इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो ये वाली चीज़ हमारी ऐसी डिजाइनिंग आ जाएगी। अब हम सभी पट्टियों को इसी शेप में इसी तरीके से ऊपर नीचे करके सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से एक एक पट्टी आपस में यहाँ पे क्रॉस करते हुए तो डिजाइन को अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा जो पट्टी होती है ये हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी सभी जगह से कटिंग कर देनी है और ये पूरा हार्ड रहेगा यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से एकदम से सेट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे ब्लैक पट्टी लेनी है, तकरीबन 2 इंच चौड़ाई वाली। आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से नीचे से रखते हुए ऐसे यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। ऐसे सेट करेंगे।
अब हम सीधी साइड में यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। देखिए एक साइड में हमने यहाँ पे इस तरीके से पट्टी कंप्लीट कर ली है, बाकी की तीन साइड भी हम सेम इसी तरीके से पट्टियों से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये चारों साइड में ब्लैक पट्टी लगा ली है और आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन बना है मैट का। नीचे की साइड हमारा टॉवल वाला कपड़ा रहेगा, बीच में हमने यहाँ पे चावल की बोरी दे दी है और जिससे कि ये फोल्ड ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन बना है। छोटी छोटी जो कतरनी होती हैं, जो बचे हुए कपड़े होते हैं, उनके साथ आप यहाँ पे इस तरीके की मैट का डिजाइन ये तैयार कर सकते हो, जैसे कि मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।